राजधानी लखनऊ में नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने अयोध्या धाम के भव्य राम मंदिर में भगवान श्री राम के विराजमान होने और प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उनके चरणों में कोटि कोटि नमन किया है। इसके साथ ही मंत्री ए.के. शर्मा ने अपने आवास में परिवारजनों के साथ मिलकर प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना की और रामचरित मानस का भी पाठ किया। इसी कड़ी में मंत्री शर्मा ने कहा कि अयोध्या नगरी अब भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर के राम भक्तों के लिए सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जानी जाएगी और अयोध्या धाम का श्री राम मंदिर देश को एकता के सूत्र में जोड़ने का कार्य करेगा। पूरे देश और दुनिया भर से लोग भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या धाम आएंगे और यहां से लौटकर भारत की प्राचीन सांस्कृतिक गौरव को पूरी दुनिया में बिखेरेंगे। लखनऊ से राष्ट्रीय दलवी की रिपोर्ट। दिव्य अयोध्या धाम में बने हुए उनके भव्य मंदिर में आज भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मैं भगवान के चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ। नामने धामने नमो नमः, श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामी, श्री रामचंद्र चरणों वशसा गृहामी, श्री रामचंद्र चरणों सिरसा नमामी, श्री रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये। आज इस अवसर पे अयोध्या में आए हुए सभी महानुभावों का, विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ।